आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। आज का दिन, आज भिवंडी शहर और शांति नगर के लोगों के लिए एक ऐसा काम करने जा रहे हैं। आज का जो दिन है दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाली नस्लों को इसका फायदा मिलेगा। मैं इन तमाम लोगों का जिन्होंने प्रोग्राम को मैनेज किया, खासतौर से हमारे एनके ग्रुप हाशिम रेड्डी का और उनके साथियों का और उन तमाम लोगों का भाई स्टेज गिर जाएगा। भाई बाहर वाले सब नीचे खड़े रहिए। भाई भाई मैं आवाज दूंगा। हाँ यानी भाई स्टेज खाली करो, स्टेज स्टेज गिर जाएगा, स्टेज स्टेज है। तू आ जा, यहाँ के विकास में उस खुशी का हम कह सकते हैं कि तस्वीर दिखाया जाता है यहाँ पर देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को प्रेम को लेकर? देखिए, शांति नगर के, गैबी नगर के और जगत नागा से लेके यहाँ पूरे परिसर के लोग, बिलाल नगर हो, समाजवादी पार्टी को, हम लोगों को पहले से बहुत चाहते हैं। मैं उनका आमदार हूँ, भिवंडी का आमदार हूँ, भिवंडी के लोगों ने मुझे चुन के दिया। आज जो इनकी तमन्ना थी बरसों से, मैं 20-25 साल तो नहीं बोलता, बरसों से हमारा शहर दो पार्ट में डिवाइडेड था। यहाँ के शख्स को जो यहाँ रहता है, या बिलाल नगर में रहता है या शांति नगर में रहता है, उसको अगर कल्याण रोड जाना था तो वो इतना घूम के ट्रैफिक से जाता था और पूरा गैबी नगर का इलाका ट्रैफिक से भरा रहता था। आज जकात नाके से लेके शांति नगर का रोड बन रहा है, पानी की लाइन बदल रही है, स्टेम की लाइन बदल रही है, फुटपाथ बन रहा है और सबसे बड़ी बात, बीएमसी की मदद से 25 करोड़ का रोड जो अभी यहाँ पे बिलाल नगर से जो है जाएगा सीधा कल्याण रोड। ये सपना था लोगों का। हमारे बच्चे जो यहाँ पे काम करते हैं, हमारी और माँ बहनें जो दूसरी जगह जाके नौकरी करते हैं, पाइप के नीचे से गंदगी से जाते थे, आज उनका ये सपना पूरा हुआ। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि शांति नगर में ईद का माहौल। रोड बनने के बाद उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? देखिए, कोई भी रोड बनता है तो वो लॉन्ग टर्म जो है उसके साथ उसका डीएलपी होता है, यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। भिवंडी को ये सब देखने नहीं मिला, लेकिन ये नमूना रहेगा बोर्ड रोड के, बीएमसी के मार्फत इसको हम डेवलप करके मेंटेन भी करेंगे। जमीन अभी भी बीएमसी की है। शांति नगर का जो रोड भीड़ है, भीड़ को देखते हुए इसमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है और भीड़ अनकंट्रोल है, अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, यहाँ पर सब लोग मोहल्ले के ही है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ना कुछ हुआ है ना कुछ हो रहा है। ये लोगों का जोश है, लेकिन सब कंट्रोल में है, सब लोग समझदार है और सब लोग यहाँ पर बुजुर्ग हो नौजवान हो इसको पूरा कंट्रोल कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि देखा ये जाता है कार्य के लिए उद्घाटन करने के लिए बहुत तो जाते हैं, ओपनिंग हो जाती है लेकिन काम में काफी कोई ओपनिंग मैंने नहीं की। 5 बजे काम चालू हो चुका है। काम कब तक हो जाएगा? देखिए, हमारा रिकॉर्ड क्या है, हमने 2 रोड बनाए, आपने देखा रिकॉर्ड टाइम में बनाए। आज शांति नगर से जगत नाके तक जो रोड है सितंबर में चालू किया। कोई ओपनिंग मैंने नहीं की। 5 बजे काम चालू हो चुका है। काम कब तक हो जाएगा? देखिए, हमारा रिकॉर्ड क्या है, हमने 2 रोड बनाए, आपने देखा रिकॉर्ड टाइम में बनाए। आज शांति नगर से जगत नाके तक जो रोड है सितंबर में चालू किया, 26-27% काम हो चुका है और जो काम रुका भी है तो महानगर पालिका की वजह से। ये भी 24 महीने का टेंडर है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द बन जाए। सर, जगत नाके से शांति नगर तक जो रोड बन रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, क्या उसके जो ट्रांसफार्मर है करंट के, वो हटाए जाएंगे या नहीं? देखिए, हम लगातार मीटिंग ले रहे हैं, ज्यादातर ट्रांसफार्मर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ ट्रांसफार्मर है और पीछे जगह ही नहीं है, उसको हम छोटा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि 100% ट्रांसफार्मर रखे। डेडलाइन क्या रखे इस रोड की? डेडलाइन जो आप बोले वो रोड जो है, हमने देखा कि गत दिनों पहले जब बीएमसी में गए, क्या बोले आप, गत दिनों पहले बॉम्बे महानगर पालिका में एक बैठक हुई थी तो 500 मीटर रोड जो है बढ़ाया गया था, उसका मतलब क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, अभी उसका पेपर वर्क चालू है। हमसे एक ये हुआ कि हमने बिलाल मस्जिद से लेके तो हमने कल्याण रोड तक का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीएमसी कंसीडर भी कर रही है
और उसका पेपर वर्क चालू है कि ये गायत्री नगर तक जाए और उसके बाद यहाँ पे फुटओवर ब्रिज, यहाँ पे लाइट्स लगाना, सब प्रस्ताव चालू है। सर आप हमेशा ये कहते हैं कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है एजुकेशन, तो भिवंडी शहर में ऐसी बहुत सारी प्राइवेट स्कूल है जो मनमानी फीस लेती है, तो कभी आपने उसके लिए कुछ नहीं कहा? देखिए आपने शायद असेंबली में सुना नहीं, सरकार का जिम्मेदारी है कि फ्री तालीम दे, आरटीई है देश में, लेकिन सरकार का फेलियर है इसीलिए प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल की फीस के बारे में मैं हूँ जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने लगातार आवाज़ उठाई है, कोई स्पेसिफिक केस के बारे में आप बताइए, हम लोग डेफिनेटली उसको, अभी एक कमेटी बनी है सरकार में, उसके पीछे हम लोग कंप्लेन करेंगे। कुछ दिन पहले ही 6 बच्चों को निकाल दिया गया, गलत हुआ और उनकी LC रोक दी गई है, हम उसके लिए भी बात कर रहे हैं। देखो इदारे भी हमारे हैं लेकिन हम फ्रिक्शन नहीं चाहते, हम सोल्यूशन चाहते हैं। रमेश भाई भिवंडी वेस्ट में देखा है तो पूरी ब्रिज बन जाती है लेकिन इतनी पब्लिक नहीं दिखती है, तो ये इलेक्शन को देखते हुए है या फिर और कुछ? अरे भाई तेरे को क्या तकलीफ है, इतनी पब्लिक है तो खुश हो ना। हम खुश हैं रमेश भाई, हम खाली सवाल कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट, आज यहाँ पर मैं वेस्ट का आमदार नहीं, मैं ईस्ट का आमदार हूँ। सर यहाँ पर स्टेट पर आपने चुनावी आगाज की यहाँ शुरुआत कर दी? नहीं मैंने आज चुनाव खत्म कर दिया, मैंने चुनाव आज खत्म कर दिया, मैंने ये पैनल वैनल डिक्लेयर नहीं किया, मेरे लिए समाजवादी इम्पोर्टेंट है, समाजवादी पार्टी जिसको सिंबल देगी वो मेरा कैंडिडेट और मेयर समाजवादी का होगा।